और राजपूत समाज की लड़कियों के एमएमएस और वीडियोस बनाकर, पॉर्न वीडियोस बना बनाकर ये उन्हें ब्लैकमेल करके घर की दाल रोटी चलाता रहा। उस लड़की का एमएमएस बनाकर उसके बाप भाई तक भी भेजे गौतम सिंह। इतनी गिरी हुई हरकत करने वाले गौतम सिंह आज भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता के खिलाफ मुहिम चलाते हैं। सुनकर भी घिनारा और बताकर भी शर्म आ रही है कि जो भी मगैया जवान के सपोर्टर हैं, खासकर ये वीडियो उन लोगों के लिए है। आप लोग भी देखिए, आपके घर में भी भाई बहन होगी कम से कम उस नाते, और आपके घर में भी पिताजी होंगे माताजी, उस नाते इस वीडियो को जहाँ तक हो सके आप लोग पहुँचाइए। दम नहीं था कि कमा के घर में एसी लगवा सके। पत्नी मायके से लाएगी तब इनके घर में एसी लगेगा, पत्नी मायके से गेहूं लाएगी तब इन भोसड़ी वालों के घर में खाना खवाएगा। ये दलिद्र, ये भिकमंगा अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझता है, चौधरी समझता है। एसी चाहिए, पक्का के मकान तो मट्टी के मकान हुआ, पक्का के मकान में बेटी के ब्याह लेते हैं, गर्मी में एसी न देबू तो चलता हुआ कहाँ, एसी दाई दाऊ दा। एक सवाल पूछना चाहता हूँ राजपूत समाज से। राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज, देश का वो वीर योद्धाओं का समाज है जिसने इस देश की आन बान शान में अपनी आहुति दी। लेकिन मैं उसी समाज से पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई लड़का आपके समाज की लड़की के साथ हम बिस्तर हो, शारीरिक संबंध बनाए, उस लड़की को, उस राजपूताना लड़की का वीडियो बनाए अश्लील सेक्स करते हुए, उस लड़की के आपत्तिजनक नग्न फोटो निकाले और बाद में उसी लड़की के फोटो और वीडियो के दम पर वो लड़का पैसों की मांग करे, और अगर लड़की पैसे देने में असमर्थ हो तो उसे आत्महत्या तक उकसाए। मैं राजपूत समाज के लोगों से, खासतौर पे पुरुषों से पूछना चाहता हूँ कि आप इस लड़कों का क्या करोगे? आप वही करोगे जो मेरे मन में चल रहा है। मैं आज इस एक इंसान की कलाई खोलने वाला हूँ जिसने ये घिनौनी हरकत पिछले 12 साल से कर रहा है। राजपूताना लड़कियाँ जो हैं आज भी इंसाफ के लिए दर दर ठोकरे खा रही हैं, और ये लड़का खुलेआम इन लड़कियों की ज़िंदगी नरक कर चुका है। क्या राजपूत समाज में इतनी दम नहीं है कि अपने ही समाज के लड़कियों को इंसाफ दिला सके? क्या राजपूत समाज इतना कमज़ोर हो गया है कि अपनी समाज की लड़कियों का इस तरह से एमएमएस और वीडियो देख बनता देख पर भी वो चुप है? अगर आपके अंदर उतनी क्षमता नहीं रह गई है, कहाँ मर गए वो करणी सेना वाले? कहाँ गया वो बजरंग दल, आरएसएस और हिंदू दल जो अपनी हिंदू बहन के अश्लील वीडियो और फोटो के दम पर आज भी वो इंसाफ के लिए रो रही हैं? मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे घिनौने इंसान की जिसने इस देश की बेटियों को केवल इस्तेमाल कर पैसा कमाना सीखा। और ये बातें मैं मनगढ़ंत नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास सबूत है, वो मैं रखने जा रहा हूँ। आप तमाम लोगों से निवेदन है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, बिहार के लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि आपके समाज के बीच में एक ऐसा व्यक्ति रहता है जो ये कृत्य कर रहा है पिछले 12 सालों से। ना केवल कृत्य कर रहा है, इस कृत्य में उसकी माँ उसका साथ दे रही है, उसकी बहन उसका साथ दे रही है, जिसके दो पति। मैं ये चीज़ें क्यों कह रहा हूँ आपको अगले कुछ मिनटों में समझ में आ जाएगा। और मैं, यकीन मानिए, वीडियो के अंत तक देश की जो सबसे गंदी गालियां हैं वो आपके मुंह से इस घिनौने भोसड़ी वाले के लिए निकलेंगी। तो शुरू करते हैं। मामला है बिहार का। एक ऐसा इंसान जो चंद पैसों के लिए एक पढ़ने लिखने वाली राजपूताना लड़की के साथ विवाह करता है। वो मनहूस दिन था 6 जून 2010। वो लड़की, अभागी लड़की का नाम था निभा सिंह। निभा सिंह वो लड़की थी जो अपनी ज़िंदगी में पढ़कर कुछ अच्छा करना चाहती थी। उसको फंसाया इस भोसड़ी वाले ने। इनकी शादी हुई, इस भोसड़ी वाले के माँ ने, बाप ने और बहन ने जो जो सामान मांगा दहेज में, वो सारा बाप इस बिचारी निभा सिंह का परिवार, उसके बूढ़े बाप ने कर्जा लेकर, ज़मीन बेचकर पूरा किया। लेकिन उसके बाद भी इन हैवानियों की भूख नहीं मिटी, उनको इस बेटी से और पैसे चाहिए थे। शादी के बाद लगातार इनको टॉर्चर किया गया। ये भोसड़ी वाला अपने आप को मर्द कहता है, ये गांडवा, इसको अपने घर में एसी लगाने का दम नहीं था। इतना बड़ा ये मर्द था कि पत्नी इसकी एसी लगा के देगी तब ये भोसड़ी वाला ठंडे में सोएगा। इसके हाथों में, इसके कलेजे में इतना दम नहीं था कि कमा के घर में एसी लगवा सके। पत्नी मायके से लाएगी तब इनके घर में एसी लगेगा, पत्नी मायके से गेहूं लाएगी तब इन भोसड़ी वालों के घर में खाना खवाएगा। ये दलिद्र, ये भिकमंगा
अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझता है, चौधरी समझता है। मैं दिखाना चाहता हूँ वो वीडियो जो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो किसी और का नहीं, इस भोसड़ी वाले के सगे ससुर की है, यानी कि निभा सिंह के पिताजी। सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो गौतम सिंह राजपूत हैं, जैसा कि सभी को मालूम है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एकदम गंध मचा के रखने वाले लोग, मगहिया जवान, जो कि अश्लीलता के खिलाफ का मुहिम लड़ते हैं, दूसरों की माँ बहन की ज़्यादा फिक्र करते हैं और माँ बहन की चिंता करते हुए सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पर आकर माँ बहन की ही गालियाँ देते हैं। लेकिन उन्होंने एक नहीं बल्कि दो दो लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। सबसे पहले चाचा जी ये बताइए, ये जो पूरी घटना है गौतम सिंह राजपूत से, कब शादी हुआ था आपकी बेटी से? 2010 में जून महीना में, 6 जून को। 2010 में 6 जून से इनकी बेटी, यानी कि आज से 12 साल पहले इनकी बेटी से शादी हुआ था गौतम सिंह राजपूत से। उसके बाद क्या कुछ हुआ था घटना? घटना यही हुआ कि शादी में हमारी बच्ची वहाँ गई, ससुराल गई जी। और 5-6 दिन के बाद ही, 2-4-5 दिन के बाद ही उनकी माँ, वो गौतम, उनकी बहन, एक बहन है उसका नाम क्या है, सपना, ये लोग प्रताड़ना करने लगे कि यहाँ पैसा के अभाव में हमने शादी में 2.5-3 लाख रुपया उनको उपहार स्वरूप दिया, मोटरसाइकिल दिया, फिर खाने पीने वाले, खाने वाने का जो भी खर्च था तो सब हो गया। तो उस खर्च से हम टूटे हुए थे, इस वजह से उस समय हम नहीं दे सके, फिर बाद में देते। तो इस बात के लिए प्रताड़ना, वहाँ तांडव शुरू हो गया जी। शादी के कुछ दिन के बाद ही तांडव शुरू हुआ, तो शुरू हुआ और खाना पीना, दुनियाचारी, देना लेना बंद, प्रताड़ित करना, न कपड़ा देना, का मिल रहा न मिल रहा है, यहाँ के तोरा कैसे मिलता हुआ, तो वहाँ से ले के का आए, यही सब करते धरते इस ढंग से कमज़ोर कर दिया कि हमको गांव घर के लोग के पता चला, तो हम फिर लड़कन के भेज करके अपना बच्ची को मंगवा लिए। तो शादी से पहले कुछ उन लोगों का मांग था कि हमको ये चाहिए, चाहे इतने पैसे चाहिए? जो मांग था वो हम पूरा कर दिया था शादी के पहले, जो मांग था जी। तो उपहार स्वरूप हमने दे ही दिया। शादी के बाद फिर पूरा दोबारा मांगना शुरू हुआ कि ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, हैं, गर्मी के मौसम है, अथी चाहिए, का कवा है, अथिया कूलर चाहिए, एसी चाहिए, पक्का के मकान, तो मट्टी के मकान हुआ, पक्का के मकान में बेटी के ब्याह लेते हैं, गर्मी में एसी न देबू तो चलता हुआ कहाँ, एसी दही दा ऊ दा, हमारे पास, हम किसान आदमी, हम कहाँ से दे पाते, हम अपना बच्ची को मंगवा लिए। उसके बाद करीब जून में हमारी बच्ची आ गई, 10-12-12-14 जून के आ गई। इसके बाद 6-7 महीना तक कोई सूद बूद लेने नहीं आया, पत्राचार भी नहीं हुआ, फोन फान से भी बातचीत नहीं हुआ। तो हम पुनः फिर समाज के लोग के साथ गए, बहुत तरह से रिक्वेस्ट किए, कुछ गच्छे, तब फिर जैसे कि से समझौता हुआ। तो मार्च में जी। फागुन में लड़का आया, यहाँ एक दो दिन रहा होली के समय में गौतम, और इसके बाद मार्च में फिर पुनः हम तैयारी से सर रोसगदी किए, दूरागमन किए, एक महीना दो महीना ठीक रहा, इसके बाद मारपीट कर करके ला करके हमारे बाजार में बीत दिया, एक दिन लोग हाँ मारपीट करके बाजार में छोड़ दिया। अभी FIR हमारी बच्ची की है मंडिया थाना में। आपको शादी का कार्ड गौतम सिंह के और इनकी बेटी निभा देवी, शादी का कार्ड भी दिखाएंगे, ये देखिए निभा संग गौतम, ये आज से 12 साल पहले का कार्ड है जो ये चाचा ने एक न्याय मिलने के उम्मीद से ये सब अभी तक संभाल के रखा हुआ है। ये गौतम का फोटो है, आज से 12 साल पहले की फोटो है ये भी देखिए। तो ये ना तो गौतम सिंह जुटला सकते हैं, ना उनके सपोर्टर जुटला सकते हैं। और FIR आपने किया था, आपकी बेटी ने किया था? हमारी बेटी भी उन पर FIR की है बंदिया थाना में जी। 22-15 केसेज है, 22-2015, और हमारे साथ जो मारपीट किए थे, और हमारी बेटी को आपके साथ भी मारपीट हुआ, हमारे साथ भी धक्का मुक्की किए थे गौतम सिंह। अच्छा। उनकी माँ हरिया पथराव की थी, कुछ पत्र सब बचा हमको, हम जिंदा हैं एक लाश के तरह, समदीन समधी को बेइज्जत करे दरवाजे पर, हड़िया कपड़ी
तो क्या आप जब ये शादी से पहले आपको वहाँ का माहौल नहीं पता था, अगल बगल वाले लोगों से? माहौल पता चलता, माहौल पता चलता, वो पूरे गांव का भी वही स्थिति है कि कोई कुछ कहा नहीं है ना, तो हम शादी नहीं करते। एफआईआर की कॉपी है, ये गुरुआ थाना में हम एफआईआर किए हैं, ये इन्होंने किया था। और और उसके पहले बंदिया थाना में एफआईआर हमारी बेटी की है जी, बंदिया थाना में। ये देखिए, बड़ा वो बदतमीज और हरामी है कि एक लड़की के साथ और जो किया है वो रामपुर थाना में। देखिए, एक लड़की के और जीवन के साथ था। निवेदनपुर का अंकिता कुमारी, पिता श्री अजय कुमार, मोहल्ला एपी कॉलोनी, थाना रामपुर, जिला गया की रहने वाली हूँ। वर्तमान में मैं अभी तनस्थली विद्यापीठ राजस्थान जयपुर में रहकर पढ़ाई कर रही हूँ। दिनांक केस कुछ हम बता देते हैं। केस कुछ इतना सा था कि गौतम सिंह अपनी पहली पत्नी को छोड़ने के बाद दूसरी लड़की को जबरन ब्लैकमेल करना, उसके अश्लील फोटो खींचना, अश्लील फोटो वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करना। किस लिए ब्लैकमेल करना? शादी के लिए, पैसा कमाने के लिए। उसे यहाँ तक इतना कि मैं तुम्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर दूंगा, के लिए ब्लू पिक्चर तक के उसका बनाने के लिए। उस लड़की का एमएमएस बनाकर उसके बाप भाई तक भी भेजे गौतम सिंह। इतनी गिरी हुई हरकत करने वाले गौतम सिंह आज भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता के खिलाफ मुहिम चलाते हैं। सुनकर भी घिना रहा और बताकर भी शर्मा रही है कि इतने भी गिरे हुए लोग हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता के खिलाफ का लड़ाई लड़ते हैं। आपको क्या लगता है कि आप ये सब जो संभाल के रखे हैं अभी तक 12 साल से, अभी आपको लगता है कि आपको देख करके कुछ यह होता है, सुकून मिलता है कि इसको हम रखे हैं, कभी न कभी कुछ ऐसा उम्मीद जगेगा तो कोई होगा धर्मात्मा। आज ऐसा आपको उम्मीद लग रहा है कि आप कुछ हो सकता है अब, क्योंकि अब वो गिरफ्तार हो चुके हैं? कैसा लग रहा है, खुशी हो रही है जानकर? ये तो खुशी होबे न करेगा कि कमीना गिरफ्तार हो गया। आगे क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई हो उन लोगों के साथ? उस पर जितना भी कार्रवाई होगा वो कम माना जाएगा। जो हम लोग के साथ या और लोगों के साथ किया, बताइए, पढ़ने लिखने वाली लड़की के साथ अश्लील व्यवहार, अश्लील पिक्चर बनाना, ये सामाजिक न्याय है? और वो तो सोशल मीडिया पर दूसरों की माँ बहन की इज्जत बचाने की बात करते हैं। खुद उसका माँ बहन का इज्जत है, हमारे खानदान में दूसरा शादी कभी नहीं हुआ था, उसके खानदान में तो बेटी के दूसरा ब्याह हुआ है। एक बेटी के बाप के दर्द को आप महसूस कीजिए, मेरे जगह पर अगर दूसरा कोई होता तो, जो देश चलाने वाले हैं, राज्य चलाने वाले हैं, व्यवस्था चलाने वाले हैं, उनके साथ अगर ये समस्या होता तो, लेकिन सब कान में रुआ डाल करके बैठे हुए रहते हैं। आप उनकी पढ़ाई के लिए भी खर्चा देते थे ऐसा? हाँ, खर्चा देते थे गौतम सिंह, हाँ करके कहीं खर्चा देते थे, और गवाह के साथ कहीं खर्चा देते थे, जब आता था तब खर्चा देते थे। अभी जिंदा है, BCA के हेड ऑफ डिपार्टमेंट। चलिए, जो भी मगैया जान के सपोर्टर हैं, खास कर ये वीडियो उन लोगों के लिए है, आप लोग भी देखिए। आपके घर में भी भाई बहन होगी कम से कम उस नाते, और आपके घर में भी पिताजी होंगे, माता जी, उस नाते इस वीडियो को जहाँ तक हो सके आप लोग पहुँचाइए। और जी, एक माँ बाप हैं जो अभी तक, आप कम से कम इतने को देखकर हमारा दिल दहल जा रहा है सिर्फ ये कार्ड देखकर कि ये अभी तक 12 साल हो चुके हैं शादी को, और शादी टूटे हुए भी इन्होंने अभी तक एक एक कार्ड, फोटो, हर एक चीज़ FIR की कॉपी संभाल कर रखी हुई है। किस उम्मीद से? सिर्फ इतनी कि कभी ना कभी तो इन्हें न्याय ज़रूर मिलेगा। तो आप लोग जहाँ तक हो सके इसको पहुँचाइए, और प्रशासन कड़ी से कड़ी सज़ा दे वहाँ तक आप लोग मदद कर सकिए। तब तक जो भी अपडेट होगा हम आपको दिखाते रहेंगे। तो सुना आपने इस बुजुर्ग बाप की पूरी तकलीफ। एक राजपूत लड़की निभा सिंह के साथ इस भोसड़ी वाले ने इतना गंदा काम किया, इसके साथ भी इसको चैन नहीं मिला, तो और राजपूत समाज की लड़कियों के MMS और वीडियोस बनाकर, पॉर्न वीडियोस बना कर ये उन्हें ब्लैकमेल करके घर की दाल रोटी चलाता रहा। इतना बड़ा मर्द है कि मेहनत करके 2 रुपया कमा कर अपने परिवार को पेट पालने की औकात नहीं, घर में AC लगेगा तो पत्नी के मायके से बाप, जो बुज़ुर्ग किसान बाप है, वो पसीना बहा के, खून बहा कर
बेटी को एसी देगा तब ये भोसड़ी वाला एसी में सोएगा। पढ़ाई तक का पैसा ससुर ने दिया, इतना भिकमंगा परिवार था। जब तुम्हारे के पास औकात नहीं थी तो कटोरा लेके रेलवे स्टेशन पे भीख काहे नहीं मांगा रे। मैं पूछना चाहता हूँ बिहार के उन तमाम राजपूताना लोगों से, समाज से, कि क्या निभा सिंह को आप लोग इंसाफ दिला पाओगे? क्या इतनी हैसियत राजपूत समाज की है कि निभा सिंह और उनके पिता प्रमोद सिंह को आप इंसाफ दिला पाओगे? घबराइए मत, अगर आप नहीं दिला सकते तो यकीन मानिए ये विनय दुबे एक ब्राह्मण पुत्र जनेव की सौगंध खाकर कहता है कि निभा सिंह के लिए हर मुमकिन कोशिश विनय दुबे करेगा, लेकिन पहला मौका मैं राजपूत समाज को देना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि राजपूत समाज अपनी समाज की बेटी की इज्जत के खातिर क्या करता है। मैं देखना चाहता हूँ कि प्रमोद सिंह आज जो अपने घर पर निराश होकर बैठा है उसको इंसाफ ही राजपूत समाज, बिहार का राजपूताना समाज, देश का राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज दिला पाता है या नहीं। और नहीं दिला पाया तो यकीन मानिए, विश्वास करिए, ये विनय दुबे उस निभा सिंह की आवाज़ बनेगा, उन प्रमोद सिंह की हिम्मत बनेगा और लड़ेगा तब तक जब तक इस बिटिया को इंसाफ नहीं हो जाता। मुझे तो घिन आती है इन जैसे लोगों के ऊपर जो अपने आप को मर्द कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं हूँ शरीफुल शेख। ये वीडियो में अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, और इसी तरह की खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए, और देखते रहिए सच झारखंड टीवी।